हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग कैम्स को कवर करने वाले हैं। इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए हम लोग कैम्स के फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके वैल्यूएशन की भी बात करेंगे कि आखिर ये ओवर प्राइस्ड में ट्रेड कर रहा है या अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है, और इसके जो पास्ट के परफॉर्मेंस रहे हैं उसको चेक करने के बाद इसके प्रेजेंट के भी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट को भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेंगे, और इन सारी बातों के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए कि कैम्स का शेयर आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के पीरियड में किस भाव पर हम लोग ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे, ऐसा इस पूरे वीडियो में चर्चा का विषय रहने वाला है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, जो भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल्स अवेलेबल होने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए और आप कोई गलत धारणा ना बना लें इस स्टॉक के प्रति। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप व्यूअर्स के साथ लगातार शेयर करता रहता हूं, और एक लेमैन की भाषा में शेयर रिलेटेड जानकारी स्पष्ट शब्दों में आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैम्स के जो चार्ट पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर हम लोग कैम्स के चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट को देखने से दोस्तों यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो बना करके चल रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ये बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके जो चार्ट है दोस्तों वो लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, और इस प्रकार के ट्रेंड वाले स्टॉक के फंडामेंटल्स हम लोगों को मजबूत देखने को मिलते हैं। कैम्स के अगर रिटर्न प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल ये स्टॉक 3,234 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके रिटर्न प्रोफाइल को चेक करें तो ये पिछले एक महीना में तकरीबन 5.5% का निगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीना में 88% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टू डेट 81% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 130% का शानदार रिटर्न, और पिछले 5 साल में 142% का शानदार रिटर्न। कि काफी कम समय में इसने अपने निवेशकों का पैसा 2.5 गुना कर दिया है, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। दोस्तों, ये कंपनी लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी और इतने कम समय में काफी अच्छा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। तो हम लोग ये तो मान करके जरूर चलेंगे कि इसके फंडामेंटल समूहों को अच्छे मिलने चाहिए। तो हम लोग फटाफट सीधे आ जाते हैं, इसके रेवेन्यू ट्रेंड, नेट प्रॉफिट ट्रेंड को स्टडी करते हैं, उसके बाद ही इस स्टॉक के प्रति हम लोग कोई धारणा बना पाएंगे। कैम्स के अगर रेवेन्यू ट्रेंड को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये FY15 में तकरीबन 372 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो कि FY21 आते आते ये ऑलमोस्ट डबल होकर के 673 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इतने कम पीरियड में दोस्तों इनके रेवेन्यू हम लोग 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होते हुए देख पा रहे हैं। रेवेन्यू तो इस कंपनी ने काफी तगड़ा दिखाया है काफी कम समय में। अब सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट को हम लोग कंपेयर करें तो इनके नेट प्रॉफिट FY15 में तकरीबन 70 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ये बढ़कर के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होकर के 218 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है सेम पीरियड में। तो हम लोगों ने देखा कि इनके रेवेन्यू बढ़े हैं दोस्तों 2 टाइम्स, जबकि नेट प्रॉफिट सेम पीरियड में इनके 3 टाइम्स से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये कंपनी काफी हाई ग्रोथ सेक्टर से आती है और इसकी मोनोपोली है इसके बिजनेस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे हमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही स्मार्ट हो। तो ये कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किस मार्जिन पर ये कंपनी काम कर रही है, वो भी एज ए इन्वेस्टर हम लोगों के लिए जानना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मार्जिन दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि करंट ईयर इसने 30
2% का मार्जिन रिपोर्ट किया है, और अगर इसके एवरेज मार्जिन ट्रेंड की बात करें तो ये तकरीबन 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इनके मार्जिन दोस्तों काफी हैवी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन को लेकर के ये बिजनेस करती है, और इसी कारण से दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को 3 times का जंप देखने को मिला था, जबकि रेवेन्यू इसके 2 times जंप होते हुए देखने को मिले थे। तो दोस्तों अभी तक तो काफी अच्छा इनका फाइनेंशियल रेशियो देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ICR रेशियो की, जिससे कि हम लोग ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि किसी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज है तो वो अपने डेट बर्डन में आने वाले इंटरेस्ट को वो बियर करने में सक्षम है कि नहीं। उससे हम लोगों को इसके जो बैलेंस शीट पर जो सॉलिडनेस है उसको समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि कैंप्स के जो ICR रेशियो है, जो कि इन्होंने करंट ईयर रिपोर्ट किया है, वो तकरीबन 36 times देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये कंपनी देखने को मिल रही है, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जिसकी वजह से इनके ICR रेशियो 36 times देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब तो सारे कुछ अच्छे हैं दोस्तों, तो हम लोग चेक करते हैं कि इनके EPS बढ़ रहे हैं कि नहीं। EPS भी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि 2015 में ये तकरीबन 14.27 था, जो कि 2021 आते आते ये 44.87 होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हम लोग लगभग 3 times का जंप देख पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ इनके EPS में भी देखने को मिल रहा है। अब इसके रिजर्व की बात करते हैं कि रिजर्व इसके बढ़ रहे हैं कि नहीं। रिजर्व भी इनके FY15 में 232 crore मात्र हुआ करते थे, जो कि FY21 आते आते ये बढ़ करके 410 crore होता हुआ देख रहे हैं। तो इनके रिजर्व में भी काफी अच्छा खासा मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। तो पास्ट के ट्रेंड दोस्तों काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब इसने Q1 में कैसे नतीजे पोस्ट किए उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जून क्वार्टर में कैंप्स ने 191 crore का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि मार्च क्वार्टर में 189 crore देखने को मिला था। तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में हल्का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में ये 53 crore का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि जून क्वार्टर में बढ़कर के 84 crore होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि इनके रेवेन्यू में उतना इजाफा नहीं हुआ था, ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, काफी नॉमिनल ग्रोथ था, लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप क्यों मिला है, तो इनके मार्जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये मार्च क्वार्टर में 28% का मार्जिन रिपोर्ट की थी, जो कि ये बढ़ करके 44% होता हुआ देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर में। और अगर हम लोग सेम रिजल्ट को दोस्तों लास्ट ईयर जून क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 143 crore का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार ये बढ़ करके 191 crore होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वहीं सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये जून क्वार्टर में 36 crore का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार ये बढ़ करके 84 crore होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वहीं पर इनके मार्जिन लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 25% देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार जून क्वार्टर में ये बढ़ करके 44% होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं कि कैंप्स लगातार अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है, और इसके Q1 के भी नतीजे काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस भी दिखाया है इस स्टॉक ने, काफी कम समय में इसने अपने निवेशकों का पैसा 2 times से ज्यादा कर दिया है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस प्रकार के नतीजे इनके फ्यूचर में भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और जिस प्रकार से इसने परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में, उस प्रकार के परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी दिखा पाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके वैल्यूएशन की, कि आखिर ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फेयरली वैल्यूड है। हम लोगों ने हिस्टोरिकल पी रेंज यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। ये 44 के हाई पी पर ट्रेड करती है, और लोअर साइड में 28 के पी पर ट्रेड करती है। और हम लोगों ने FY22 के जो EPS लगा रखे हैं, ये तकरीबन 52.5 का EPS रिपोर्ट कर सकती है,
इस हिसाब से अगर हम लोग इसके फेयर वैल्यूएशन को लगाने की कोशिश करें तो ये तकरीबन 1900 रुपये देखने को मिल रहा है, वहीं हायर साइड में इनके वैल्यू 2300 देखने को मिल रहे हैं, जबकि ये शेयर 3234 यानी 3234 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये शेयर इन स्तरों पर ओवर प्राइस्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों चूंकि ये कंपनी काफी हाई ग्रोथ फेज से गुजर रही है और ये जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें इस कंपनी की मोनोपोली है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा हायर प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, मार्केट दे रहा है। लेकिन हम लोग ये मान के चले कि फिर भी इन स्तरों पर स्टॉक थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। और अगर लेवल की बात करें कि कहां पर हम लोग इसमें बाई करके चल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 2800 का जो लेवल है दोस्तों, इस स्टॉक के लिए अच्छा बाइंग प्राइस साबित हो सकता है। इस शेयर पर हम लोग 2800 में अगर पोजीशन बनाए और लंबे समय में बने रहें तो ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें शॉर्ट टर्म की है, अब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में ये शेयर 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में कितना रिटर्न दे सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को इसके जो बिजनेस ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ है, प्राइस एप्रिसिएशन ग्रोथ है, उसको अपने कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग चेक करते हैं। कैम्स लास्ट 5 ईयर्स में तकरीबन 9% CAGR से अपने सेल्स को ग्रोथ कर पाई है, वहीं इनके प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 21% से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हम लोग मान करके चल सकते हैं कि दोस्तों ये ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये तकरीबन 15% के प्रॉफिट ग्रोथ रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट वे पर दिखा सकती है। दोस्तों कैम्स इंडिया के नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या प्राइस हो सकता है, उसके लिए हम लोग लैमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसके जो फेयर वैल्यूएशन है जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन में लाया था 2800, उसको यहां पर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% ले लिया और 5 साल का पीरियड ले लिया दोस्तों, तो भाव क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये 5632 रुपीज निकल के आ रहा है एक शेयर का अगले 5 सालों में। अगर हम लोग दोस्तों पीरियड को 10 साल कर लेते हैं और रेट ऑफ रिटर्न सेम रखते हैं तो क्या स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको बढ़ा करके 10 साल कर लिए। अब 10 साल के बाद दोस्तों क्या प्राइस निकल करके आ रहा है कैम्स का, तो ये देखिए ये 11328 रुपये देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसके टाइम पीरियड को बढ़ा करके 15 साल कर लेते हैं तो ये देखिए हम लोगों ने 15 साल कर लिया, तो 15 साल बाद कैम्स इंडिया का शेयर भाव तकरीबन 22784 निकल करके आ रहा है। अब अगर हम लोग दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट पीरियड को अगर 20 साल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 20 साल कर लिया, तो क्या निकल करके आ रहा है भाव दोस्तों एक शेयर का कैम्स का, ये तकरीबन 45,000 रुपीज देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के जरिए ये पाया कि कैम्स इंडिया एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखने वाला स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और लंबे समय में ये काफी अच्छा रिटर्न हम इन्वेस्टरों को दे सकता है। लेकिन दोस्तों हर चीज में कंडीशन अप्लाई होता है और ये सारे कैलकुलेशन है दोस्तों, इस कैलकुलेशन के पीछे जो हम लोगों ने बेस रखा है वो इसके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को रखा है। अगर किसी भी प्रकार के रिजल्ट इनके खराब होते हैं बीच में तो ये सारे टारगेट आपको मीट होते हुए नहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाई है उस प्रकार के परफॉर्मेंस ये आगे भी दिखाएगी तो ये सारे के सारे टारगेट हम लोगों को आसानी से आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा और आपके पोर्टफोलियो में भी कैम्स इंडिया के शेयर हैं तो आप मेरे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि किस रेट पर आपने इसे बाय किया है, मुझे भी जान करके काफी खुशी होगी। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।